तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकंड मॉडल पेपर के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एग्जाम आने वाले हैं, तो आप लोगों को तैयारी भी अच्छे से करनी है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भुवनेश्वर प्रसाद जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, क्योंकि भुवनेश्वर से जिससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, भुवनेश्वर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर एक सीतापुर, बी नंबर रामनगर, सी नंबर मेरठ और डी नंबर है शाहजहाँपुर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर जिन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता दूँ, डी नंबर हो जाएगा शाहजहाँ, ठीक है। शाहजहाँपुर में भुवनेश्वर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। तो उस क्वेश्चन का आपको रट लेने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आप लोगों की बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं जो आप जानना चाहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर की प्रथम रचना का नाम है? नंबर एक अकबर, बी नंबर है करवा, सी नंबर श्यामा एक वैवाहिक विडम्बना है और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, श्यामा एक वैवाहिक विडम्बना है, टिक करते हैं हम सी पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर के प्रसिद्ध एकांकी संग्रह का क्या नाम है? तो यानी भुवनेश्वर जी के जो प्रसिद्ध एकांकी है उसका क्या नाम है, एकांकी का संग्रह है उसे क्या नाम है? तो नंबर एक है जेरूसलम और बी नंबर है लॉटरी और सी नंबर है रहस्यमान और डी नंबर है करवा। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, उनका जो एकांकी का संग्रह है वो है डी नंबर करवा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भुवनेश्वर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? अभी आपने ऊपर देखा है भुवनेश्वर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, आप क्वेश्चन पूछ रहा है कहाँ किस सन में हुआ था। तो नंबर एक है 1890 और बी नंबर है 1901 और सी नंबर है 1910 और डी नंबर है 1920। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 1910 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पाठ्यक्रम में भुवनेश्वर प्रसाद जी की कौन सी एकांकी सम्मिलित है? यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है, यानी कि जो बी फर्स्ट ईयर हैं उनमें जो भुवनेश्वर जी का एक सिलेबस है या आप कह सकते हैं एक लेसन है वो कौन सा है, ठीक है। तो जो बी फर्स्ट ईयर में है उनका लेसन है उसका नाम है बी नंबर स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक उनका लेसन है, यानी कि स्ट्राइक के बारे में बताया गया है, ठीक है, बीए फर्स्ट ईयर में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइक के प्रमुख पुरुष पात्र का क्या नाम है? तो नंबर एक है फूलचंद, बी नंबर है मूलचंद और सी नंबर है हरिचंद और डी नंबर है श्रीचंद। तो जो मुख्य पात्र है उसका नाम है, ठीक है, डी नंबर श्रीचंद, ठीक है, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सिकंदर 1949 किसकी एकांकी है? तो नंबर एक है जैनेन्द्र की, बी नंबर भुवनेश्वर की, सी नंबर जयशंकर प्रसाद, डी नंबर यशपाल। तो आई होप मैंने आप लोगों को बताया कि आज के इस वीडियो में भुवनेश्वर जी के बारे में बात करने वाले, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ादी की न्यू का प्रकाशन वर्ष क्या है या कब हुआ, ठीक है, वर्ष कौन सा था जब आज़ादी की न्यू, ठीक है, इसका प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था 1943 में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 1943 में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से स्ट्राइक एकांकी में लिफाफा लेकर कौन आता है? तो जो स्ट्राइक एकांकी यानी आपके सिलेबस में, ठीक है, उसमें लिफाफा कौन लेकर आता है? नंबर एक राजा, बी नंबर चपरासी और सी नंबर हलवाई, डी नंबर है गुलाम। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, चपरासी लेकर आता है, टिक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्ट्राइक एकांकी में स्त्री कहाँ घूमने जाती है? नंबर एक दिल्ली, बी नंबर है गागरा और सी नंबर है लखनऊ और डी नंबर है मुंबई। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, लखनऊ घूमने जाती है, राइट आंसर सी नंबर लखनऊ हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा,
कि जो स्टूडेंट हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैं भी क्वेश्चन सारे बता रहा हूँ ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकूँ जिससे इसमें आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने में समझ में आए और एग्ज़ाम में भी आपको ये सारे इनमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए तो आपके लिए ही बेटर होगा। इसलिए मैं आप लोगों को 10-15 मिनट की क्लासेस प्रोवाइड करा देता हूँ। फिलहाल अगर इनमें से कोई क्वेश्चन ना भी आए तो आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि अब भाई एग्जामिनर की मैंने कोई जिन्होंने पेपर बनाया मैंने पेपर से तो उसको हैक तो कर नहीं लिया है कि उसमें से जो क्वेश्चन बताए गए वही सारे मैंने इस वीडियो में बता दिए। अपने अकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूँ और पिछले कई सालों में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा आइडिया लग जाता है, वही मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है? तो उसमें टेंशन लेने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइक एकांकी में चपरासी किस पर सवार होकर आता है? तो नंबर एक है बाइक, बी नंबर है साइकिल और सी नंबर है कार और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, किन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बी नंबर है साइकिल। बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, साइकिल। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो प्राइवेट होंगे, रेगुलर क्लासेस नहीं किए होंगे, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो रहा होगा क्योंकि उन्होंने क्लासेस तो की नहीं है, उनको मालूम भी नहीं होगा। लेकिन जो स्टूडेंट क्लासेस किए हैं थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है तो उनके समझ में आई होप कुछ ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है? तो जिन स्टूडेंट ने प्राइवेट से किया है या ओपन से किया है ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है? तो उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके सारे क्वेश्चन आप वहां से पा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद, क्योंकि उसमें क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। यहां पर मैं कुछ आप लोगों को समझा भी देता हूं, क्योंकि समझाने से और वीडियो वॉच करने से और सेल्फ से पढ़ने से बहुत बड़ा डिफरेंट है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्ट्राइक कांगी में पुरुष स्त्री से क्या लाने के लिए कहता है? नंबर एक पिस्ता, बी नंबर है नारियल, सी नंबर है सालन और डी नंबर है सोना। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, सालन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, स्ट्राइक में पुरुष की कार रात में किसके पंप पर खड़ी थी? नंबर एक है रामाशंकर और सी, बी नंबर है दीनानाथ, सी नंबर है सखाराम और डी नंबर है मिल्खाराम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मिल्खाराम के पंप पर खड़ी थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइक किस प्रकार की एकांकी? नंबर एक सामाजिक और बी नंबर है मनोवैज्ञानिक, सी नंबर है ऐतिहासिक और डी नंबर है प्रीतात्मक, ठीक है? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, प्रीतात्मक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफाफा लाने वाला चपरासी किसका ड्राइवर था? यानी कि अभी ऊपर आपने बात की कि लिफाफा कौन लेकर आता है, चपरासी लेकर आता, तो वो जो चपरासी था वो किसका ड्राइवर था? नंबर एक है राम सिंह, बी नंबर जीत सिंह और सी नंबर निहाल सिंह, डी नंबर है गफवान सिंह। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, निहाल सिंह का। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, प्रतिभा का विवाह 1935 एकांकी किसकी है? यानी कि एक ये कृति है या एक एकांकी है, ऐसा भी कह सकते हैं, ये कोई कुछ सेंटेंस नहीं है, ठीक है, ये आप समझिएगा, ये एक एकांकी का नाम ही है, ठीक है, प्रतिभा का विवाह 1935। तो ये एकांकी किसने लिखी है, किसकी है? तो राइट आंसर आई होप आप लोगों को मालूम होगा, हो जाएगा बी नंबर, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में भुवनेश्वर की कृत शैतान का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जो भुवनेश्वर की कृत शैतान है, ठीक है, उसका प्रकाशन किस सन में हुआ था? उस नंबर एक है 1934, बी नंबर है 1952 और सी नंबर है 1942 और डी नंबर है 1935। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर 1934, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब क्वेश्चन आप दिमाग में कैप्चर कर लीजिएगा या नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर प्रसाद में मौलिकता से अधिक अनुकरण की प्रवृत्ति है, किसका कथन है? नंबर एक है हजारी प्रसाद, बी नंबर रामकुमार वर्मा, सी नंबर है नागेंद्र, सी नंबर नागेंद्र और डी नंबर है शिवदान सिंह चौहान। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर, शिवदान, ठीक है। भुवनेश्वर प्रसाद में मौलिकता से अधिक अनुकरण की प्रवृत्ति, ये कथन श्री शिवदान सिंह चौहान जी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइक एकांकी में किस वर्ग के परिवार की विसंगतियों का चित्रण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर एक है निम्न परिवार, ऑप्शन नंबर बी है शोषित परिवार और सी नंबर है मध्यवर्गीय परिवार और डी नंबर है शोषक वर्ग परिवार। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, मध्यवर्गीय परिवार, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जेरूसलम 1945 किसकी एकांकी है? नंबर एक है
उदय शंकर भट्ट आंसर आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा, बी नंबर हो जाएगा, भुवनेश्वर की बात हो रही है, भुवनेश्वर तो है ही ठीक है, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड आज किस वीडियो हम बात कर रहे हैं ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर एक सफल टेक्नीशियन है, यह पंक्ति किसकी है? नंबर एक यज्ञ, बी नंबर है रामचंद्र, और सी नंबर है भुवनेश्वर, डी नंबर है महावीर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, किन स्टूडेंट को मालूम बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ठीक है, अदरवाइज मैं तो बताता ही हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को बताना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिलहाल आप लोगों को उसके बारे में मालूम ही होगा लेकिन कमेंट में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइक एकांकी में पुरुष पात्र क्या पीता है? तो जो स्ट्राइक एकांकी है श्री भुवनेश्वर प्रसाद जी की ठीक है, जो सिलेबस में है आपकी आपके लेसन में है, वो पुरुष पात्र क्या पीता है? ऑप्शन नंबर एक है पानी, बी नंबर है दूध, और सी नंबर सिगरेट, डी नंबर है कॉफ़ी। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सिगरेट पीता है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके वीडियो में, स्ट्राइक एकांकी में पुरुष पात्र श्री चंद की कितनी शादियाँ हुई? नंबर एक है 5, बी नंबर है 2, सी नंबर है 4 और डी नंबर है 3। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या नंबर, बी नंबर राइट आंसर इसका हो जाएगा, 2 हुई थी उनकी शादियाँ ठीक है। अब जिन स्टूडेंट को राइट आंसर लग रहा हो कि गलत है वो बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनकी 2 ही शादी हुई थी ठीक है, मैंने सर्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइक एकांकी में पुरुष जेब से कैसी घड़ी निकालता है? नंबर एक तांबा, सिल्वर, गोल्ड और स्टील। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो किस प्रकार की जेब से घड़ी निकालता है, वो किसकी थी? तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, गोल्ड की ठीक है, सी नंबर, सी नंबर राइट आंसर जाएगा गोल्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्ट्राइक एकांकी में श्रीचंद वकालत छोड़कर कहाँ आता है? नंबर एक है विदेश में, बी नंबर है पड़ोस में, सी नंबर बिजनेस में, डी नंबर है घर में। तो जो वकालत छोड़ के आते हैं वो आते हैं अपने पड़ोस में आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को भी बताना है, बिजनेस में आते हैं, घर में आते हैं, विदेश में आते हैं, कहाँ आते हैं ठीक है, आप लोगों को बताना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा ठीक है। नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या इसी कमेंट में मैं बता दूंगा ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन, आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह के और क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ये सारे क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा sandeepinfo.com, डिस्क्रिप्शन में उस पर क्लिक करेंगे आप वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और बहुत सारे आप लोगों को वहाँ पर कबीर तुलसीदास जैसे और भी क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो आप वो पढ़िए, और पीडीएफ भी हो सके तो मैं डाल दूंगा तो उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको ईजी हो जाए पढ़ने में ठीक है। तो कुछ पूछना है तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। वीडियो के डिस्कशन में मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उससे ज्वाइन हो जाइए, उस पर जो भी नोटिफिकेशन आता मैं अपलोड ही कर देता हूँ ठीक है। तो बस यही जानकारी देना था, यही सब आप लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करने से इसलिए वीडियो बनाई, आपको लगी अच्छी तो लाइक करिएगा जरूर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।